नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पिछड़े व अत्यंत पिछड़े जाति के लोगों को कई योजनाओं के तहत सरकारी लाभ मिलता है। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी जमा करवानी होती है। हालांकि इसे बनवाने में लोगों को अपने क्षेत्र के ब्लॉक या फिर RTPS केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वहीं लंबी लाइनों में लगकर प्रमाण पत्र को काउंटर से लेना पड़ता है। हालांकि इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। आप भी अगर इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको खुद से ऑनलाइन माध्यम से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से घर बैठे पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि बिहार सरकार ने इसके लिए बिहार RTPS का ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से बिहार के नागरिक कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का पास होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आपके पास पहचान के लिए आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसके साथ ही पता के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय प्रमाण पत्र, किराया पर्ची आदि में से किसी का एक होना जरूरी है। साथ ही राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। आपको प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले आपको RTPS बिहार पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए आप गूगल पर जाकर rtpsbihar.gov.in पर टाइप कर सर्च कर ले। इसके बाद सबसे पहले वेबसाइट बिहार RTPS को खोल ले। बता दें कि अब राजस्व अधिकारी की मुहर वाली भी जाति प्रमाण पत्र बनती है। हम इस वीडियो में उसके अंतर्गत ही होने वाले प्रक्रिया को बताने जा रहे हैं। यहां आप स्क्रीन पर दिख रहे serviceonline.bihar.gov.in पर क्लिक कर उसे खोल ले। आपके सामने अब एक नया पेज खुल गया है। इस पेज पर सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर पहले आप अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करें, जिससे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में आसानी होगी। अब वापस में पेज पर आकर यहां लेफ्ट साइड में आपको RTPS सेवाओं के ऑप्शन में से सामान्य प्रशासन विभाग की आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र की सेवा वाले ऑप्शन में जाना है, उसे आप क्लिक कर ले। अब यहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन चूज करना है। वहाँ अगर आपको राजस्व अधिकारी के स्तर पर बनवाना है तो आप उसे चूज कर ले। अब आपके सामने राजस्व अधिकारी के स्तर का जाति प्रमाण पत्र वाला फॉर्म खुल गया है, जिसे आपको स्टेप वाइज भरना है। आप ऑप्शन पढ़ के अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को सही सही भर दें। हालांकि आपको बता दें कि इस फॉर्म में आपको 20 KB तक का ही पासपोर्ट इमेज अपलोड करना होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर से आधार नंबर जुड़ा है तभी आप आधार नंबर डालिए। यहां पर रेड कलर के छोटे से स्टार मार्क वाले सभी जानकारी को आपको भरना होगा, बाद बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे कैप्चा भर के आप प्रोसीड कर ले। इसे करने के बाद आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा और एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसे आप कॉपी या फिर नोट कर ले, जिसके बाद आप नीचे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। आप पहले बताए गए डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को अपलोड कर दें। फॉर्मेट JPEG या PDF होना चाहिए। फिर आप इसे सेव कर ले। फिर नया पेज खोलने पर आपको आपका भरा हुआ फॉर्म दिखेगा, जिसमें नीचे आकर आप सबमिट कर ले। अब आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा चुका है। अब आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा। इस रिसिप्ट में आपको आपका आवेदन नंबर, जाति प्रमाण पत्र बनने की तारीख आदि सभी दी होगी। जो भी तारीख दी होगी आप उस दिन से अपना आवेदन नंबर डालकर ऑनलाइन प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस तरह आप खुद से बिना किसी झंझट लफड़े के जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।